दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक राजा की भूख और सात रानियां। आइए कथा श्रवण करें। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसकी सात रानियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था। विशेष रूप से जब वह अपनी आयु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसकी विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन एक गरीब साधु राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में एक रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब उस राजा ने साधु के वादे को सुना तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपने सभी प्रजाओं को साथ में अपने साम्राज्य को तैयारी करने का हुक्म दिया। इस बीच सातों रानियां शानदार विलासशाले में आराम पूर्वक अपने सैकड़ों दासियों की सेवा में रहती थी और उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन उसके शिकार पर जाने से पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा कि मेरे स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाना, केवल उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय है कि आपके साथ उत्तर दिशा में बहुत बुरा हो सकता है। राजा ने उन सब के चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी रानियों से वादा किया कि वह उत्तर दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएगा। फिर उसने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार शुरू किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चलता रहा। उसको बहुत समय गुजर गया और उसे उस दिशा में कोई भी शिकार नहीं मिला। यद्यपि वह निपुणता से शिकार करने में वह अभ्यस्त था, ऐसा ही उसके साथ पूर्व और पश्चिम दिशा में भी हुआ, क्योंकि वह एक महान शिकारी खिलाड़ी था जिसने निश्चय किया कि खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा। इस तरह से उसने अपनी रानियों से किए वादे को भूलकर वह उत्तर दिशा की तरफ शिकार की खोज में चल पड़ा। इधर भी सर्वप्रथम शिकार करने में असफल रहा। फिर उसने शिकार को आज बंद करके महल में वापस जाने का विचार कर रहा था कि तभी आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका मिला। जब उसने देखा एक सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी जिसके सींग चांदी के समान था, जो घने जंगल में जिससे वह गुजर रही थी उसमें से चमक रही थी। राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप से देखा जब वह आगे को जा रही थी, तुरंत उसको मारने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा के साथ एक बार फिर से तत्पर हो गया। उसने तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाए। इस तरह राजा के सिपाहियों के द्वारा बनाए गए घेरे में वह हिरनी आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों के घेरे को सिकोड़ना शुरू कर दिया और वह सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, तब तक जब सबने उस सफेद रंग की चित्रकारी की हुई हिरनी को बहुत पास अपने मध्य में न देखा। वह राजा उस हिरनी के और पास चलता गया। अब जब राजा ने सोचा कि वह इस अजीब और विचित्र प्राणी को पकड़ लेगा, वह उसके पास जाता गया। उसने एक जोरदार पैरों के शक्तिशाली झटके से राजा के सर पर मारा। राजा चारों खाने चित्त होकर नीचे जमीन पर गिर गया और वह कूद कर राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ की तरफ वहां से भागी। सब कुछ भूल कर राजा खड़ा होकर अपने घोड़े को तैयार किया और उस पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे भागा। अपने पूरी शक्ति और रफ्तार से उसके साथ घोड़ा अपनी चौकड़ी भरतने लगा, जिसके कारण राजा के सभी सेवक बहुत पीछे छूट गए उस सफेद हिरने को देखते हुए। इससे पहले राजा इतना अधिक शिकार के पीछे पागल नहीं हुआ था। कुछ समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकीर्ण घाटी में पाया जहां से निकलने का रास्ता नहीं था। तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसको खड़ा किया। उसके सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। राजा ने उसके अंदर देखा, क्योंकि राजा इस लंबी असफल वृक्ष की यात्रा में घोड़े के सवारी के बाद बुरी तरह से थक कर पसीने पसीने हो रहा था। राजा उस झोपड़ी के अंदर गया और पीने के लिए पानी की मांग की। एक वृद्ध औरत झोपड़ी के अंदर बैठकर अपने चरखे पर ऊन को कात रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा और तुरंत भीतर कमरे से एक युवती बहुत अधिक प्यारी और आकर्षक सफेद चमड़ी और सुनहरे वालों वाली बाहर आई।
राजा ने उस टूटी ही झोपड़ी में इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी नजर से देखने पर आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने जब राजा के मुंह की तरफ पानी से भरे मग को लगाया तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और फिर वह निश्चिंत हो गया। वह लड़की कोई और नहीं, वही सफेद हिरनी थी जिसकी सुनहरी चमड़ी और चांदी जैसे सफेद सींग थे, जिसका पीछा राजा करता हुआ इतनी दूर यहाँ तक पहुँच गया था। उस लड़के के सौंदर्य ने उस राजा पर जादू डाल दिया, जिससे वह राजा अपने घुटनों पर खड़ा हो गया और उस लड़की से विनय करने लगा कि वह उसके साथ वापस उसकी दुल्हन बनकर उसके महल में चले। लेकिन उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, क्या वह सात रानियां जिसके लिए तुम्हारे द्वारा प्रबंध किया जाता है वह पर्याप्त नहीं? तब राजा ने उसके मना करने को स्वीकार नहीं किया। उसने उससे और अधिक उन्हें विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगा और वह कामना करने लगा कि वह उस पर दया करे और रहम दिखाए। उसने उससे वादा किया कि वह राजा से कुछ भी मांग सकती है जो उसके स्वेच्छा हो। उसने उत्तर में राजा से कहा, तुम मुझे अपनी सातों रानियों की आंखों को लाकर दे दो और शायद इसके बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ जो तुम्हारे कहने का मतलब है। राजा उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहां से चल पड़ा और तत्काल अपने महल में पहुंचा और अपने सातों रानियों की आंखों को निकालकर उन दुखी तड़पती हुई अबलाओं को उनको महल के तहखाने में डाल दिया, जिससे वह वहां से भाग ना सकें। और उन आंखों को लेकर वह दोबारा अकेला उस औरत के पास गया जिसने उस भयंकर प्रस्ताव की कामना आंखों को मांग कर की थी। उस टूटी झोपड़ी के पास जो संकीर्ण घाटी के मध्य था, जब राजा उसके पास आंखों को लेकर पहुंचा तब वह सफेद हिरनी केवल बहुत तेज से कुरूपता के कारण हंसी। उन 14 आंखों को देखकर और उन सभी आंखों को एक तागे में पिरो दिया एक हार की तरह से और उसको अपनी वृद्धा माँ के गले में डालकर अपनी माँ से कहा कि इसको हमेशा गले में पहन कर रखना जब तक मैं तुमसे दूर राजा के पास महल में रहूंगी। इसके बाद वह राजा के साथ जादू के प्रभाव के कारण उसके पत्नी बन गई और राजा ने अपनी सातों रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषण और सभी कपड़ों को उसे दे दिया जिसको सातों रानियां पहना करती थी और उनका महल रहने के लिए भी उसे दे दिया। इसके साथ सातों रानियों की सभी दासियों को उसकी देखभाल के लिए रख दिया गया। इस तरह से उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसको कामना थी। अब उसके बाद बहुत जल्दी ही सात कुंठित लाचार बेसहारा असहाय रानियां जिनकी आंखों को निकाल लिया गया था उसके पति राजा के द्वारा और उन सबको कैद में डाल दिया गया था। उनमें से सबसे बड़ी रानी को एक बच्चा हुआ। यह बहुत सुंदर लड़का था लेकिन दूसरी रानियां अपने मध्य उपस्थित बड़ी रानी से बहुत ईर्ष्या करने लग गई थी। उसके सौभाग्य को देखकर सभी अप्रसन्न थी लेकिन पहले वह उस सुंदर लड़के से भी अप्रसन्न रहा करती थी, पर जब उस लड़के ने यह सिद्ध कर दिया कि वह उन सबके लिए बहुत अधिक उपयोगी है तब वह सब उसको पसंद करने लगी और उसे अपने बेटे की तरह मानने लगी। बहुत थोड़े समय में उसने तहखाने में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। उसने तहखाने के छत को खरोच खरोच कर एक अतुलनीय कार्य को अपने हाथों से किया। पहले एक छोटा सा छिद्र बनाया, फिर उसको बड़ा कर फिर उसमें से घसीट घसीट कर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहा और वापस आया तो अपने साथ कुछ मिष्ठान और खाने पीने का सामान लाया जिसको समान रूप से बांट कर उसने अपनी सभी सातों अंधी माताओं को दिया। जैसे ही वह बड़ा हुआ उसने दीवार के सुराख को और बड़ा बना लिया और उस सुराख से हर रोज दिन प्रतिदिन बाहर आता जाता रहता था। वह वहां बाहर छोटे बच्चों के साथ खेलता था। सारे दूसरे बच्चे उसको छोटो कहकर बुलाते थे और उसमें से कोई यह नहीं जानता था कि यह छोटा बच्चा कौन है, लेकिन हर आदमी उसको पसंद करता था। वह लड़का पूर्ण रूप से बहुत अधिक मजाकिया और शरारत करने वाला था। वह बहुत अधिक रूपवान और आनंद में रहने वाला लड़का था। वह सबको हंसाता। वह निश्चिंत था कि उसे इनाम में मुट्ठी भर बिस्कुट और चने मिलेंगे जिससे उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। जो भी वस्तुएं इस प्रकार उसको मिलती वह उसे लेकर अपने सात अंधी माताओं के पास जाता जिसकी सहायता से वह सब तहखाने में जिंदा रहा करती थी, जबकि संसार समाज समझता था कि वह सब सात रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर काफी समय पहले ही तहखाने में मर चुकी होंगी। आखिर में जब वह लड़का बिल्कुल बड़ा युवा हो गया, एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और बाहर निकला शिकार खेलने के लिए।
चलते हुए वह अचानक उस महल के पीछे से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह उस कुरूप सफेद हिरनी पर पड़ी जो शानदार और अतुलनीय थी। उसने देखा कि कुछ सफेद कबूतर महल के संगमरमर द्वारा निर्मित बुर्ज के आसपास उड़ रहे थे। उसने वहीं से अपने तीर धनुष से निशाना साधकर एक सफेद कबूतर को मार दिया। वह कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब खिड़की के पास आकर गिर गया, जहां वह सफेद रानी बैठी हुई थी। वह अपने स्थान से खड़ी हो गई यह देखने के लिए कि यह कबूतर कैसे मर गया, और उसने बाहर खिड़की से देखा और पहले ही दृष्टि में उसने उस सुंदर लड़के की झलक को देखा जो अपने हाथों में तीर धनुष को लेकर खड़ा था। उसने अपने जादू की शक्ति से जान लिया कि यह लड़का राजा का है। वह लगभग इस डर से मर ही गई कि लड़का राजा का है, कुछ कर ना दे। इसके साथ उसने निश्चय किया कि इसको मार देना चाहिए बिना किसी देरी के। इसलिए उसने नौकरों को भेजकर उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसने उस लड़के से कहा कि जिस कबूतर को उसने मारा है वह उसे बेचेगा। उस लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, यह कबूतर मेरी सात अंधी माताओं के लिए है जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार कल कोठरी में है, और वह मर सकती हैं यदि मैं उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दूंगा। दूर सफेद रानी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, दुष्टात्मा, क्या तुम उनकी आंखों को पुनः लाकर उन्हें नहीं देना चाहोगे? यह कबूतर मुझे दे दो और मैं तुमको रास्ता बताऊंगी जहां पर तुम अपने सातों माताओं की आंखों को प्राप्त कर सकता है। मैं तुझसे वादा करती हूँ। इसको सुनते ही वह लड़का असीमित रूप से, जिसको नापा नहीं जा सकता, इतना अधिक आनंदित हुआ और तत्काल उसने उस कबूतर को उस कुरूप सफेद रानी को दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि वह तुरंत बिना किसी देर के उसके माँ की तलाश करे, जिसके गले में उसकी माताओं की आंखों की माला है, जिसको उसकी माँ ने हार के रूप में पहना है, वह उसे अवश्य देगी। कुरूप निर्दयी रानी ने कहा, अगर तुम उसको यह कागज का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आंखों को देने के लिए लिखा है। इस तरह से वह कागज का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया जिसमें इस प्रकार लिखा था कि इस शैतान बच्चे को तत्काल मार डालो, इसके खून को पी जाओ पानी की तरह। भक्तों, आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग हम आगे प्रस्तुत करेंगे। आप हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लग रही है। जय श्री राम भक्तों।